नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं हिबिस्कस का अपना पौधा दिखा रही हूं। इसमें आप देखोगे कि ये फ्लावर काफ़ी खिल रहे हैं, अभी भी ठंड में भी ये खिल रहे हैं और इनकी साइज भी छोटी नहीं हुई है। जितने बड़े साइज में खिलते थे उतने ही बड़े साइज में खिल रहे हैं। कॉमेंट आता है कि मैडम, फूल मेरे खिलते नहीं हैं और खिलते हैं तो छोटे खिलते हैं, साथ ही कलियां झड़ जाती है। तो जाड़े के दिन में मैं बात करूं कि डोरमेंसी में चला जाता है हिबिस्कस और इसलिए इसके फूल नहीं खिलते हैं या छोटे खिलते हैं। अब सवाल ये है, ये आया था कि भाई पूजे में काम आती है, हमेशा पूजा में हिबिस्कस का काम आता है, तो ऐसे हालत में अगर फूल नहीं खिलेगा तो कैसे होगा? मैडम, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि ये जाड़े में भी फूल खिलते रहे और हमें ये फूल पूजा के लिए या किसी काम के लिए मिले, या फिर क्या कहते हो, ये तो देखने में भी अच्छा लगता है तो लोग चाहते हैं कि ये मिलते रहे। दोस्तों, यहाँ जो आप इसके पराग देख रहे हो, ये पराग यहाँ इसके पत्ते पर आ गए हैं। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहीं ये कोई कीट का आक्रमण तो नहीं है। दोस्तों, ये मेरा दूसरा वाला हिबिस्कस है जिसके फ्लावर आप देख रहे होंगे कि काफ़ी खिल रहे हैं और नीचे गिर रहे हैं। इसके फूल भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर इसके फ्लावर हैं, ये देखो, और फ्लावर का साइज भी अच्छा है। तो मैं ऐसा क्या करती हूँ कि ये जाड़े में भी इसके फ्लावर छोटे नहीं होते हैं या इसकी कलियाँ नहीं गिरती है और ढेर सारे फ्लावर इसमें आते रहते हैं, तो इसी पर मैं आज आपसे वीडियो शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, ये भी एक मेरा हिबिस्कस है, ये भी काफ़ी फ्लावरिंग कर रहा है। ऊपर में भी आपको दिखाई देगा कि काफ़ी कलियाँ हैं और फ्लावर आ रहा है। तो क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है हिबिस्कस के साथ, इस पर सारी बातें चलकर एक साथ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि हिबिस्कस जो है एसिडिक सॉयल पसंद करता है, इसलिए जब ये फूल बंद करने लगे तो उस समय इसके सॉयल पर ध्यान दें और उसमें फिटकरी अलम जो होता है उसको आप डाल देंगे तो इसकी सॉयल फिर से एसिडिक हो जाएगी और ये फूल देगा। दूसरी चीज़ है कि सन में, धूप में रखें, जाड़े के दिन में धूप थोड़ी कमज़ोर होती है तो इसको धूप काफ़ी चाहिए, इसलिए इसको मॉर्निंग से लेकर शाम तक जहां धूप मिले वैसे जगह पर रहना है। कुछ काम है ऐसा है जो आपको नहीं करना है हिबिस्कस में जाड़े के दिन में। ऐसे तो हम लोग कहते हैं कि डोरमेंसी में चला जा रहा है तो आप इसको आप फर्टिलाइज़र ना दो, पानी भी कम दो, लेकिन आपने जो जिक्र किया है, आपने जो प्रश्न किया है उसमें था कि जाड़े में भी फूल कैसे आएँ और बड़े बड़े फूल, ढेर सारे फूल कैसे जाड़े में मिले। तो इसके लिए आपको क्या क्या नहीं करनी है, इन बातों पर मैं पहले बात कर लेती हूँ। तो सबसे पहले बात ये है कि पौधे को इस हालत में, जब पौधा इस तरह से हो, जाड़े के दिन में पौधे का बर्तन नहीं बदले, पॉट नहीं बदले, यानी पौधे को रिपोर्ट नहीं करें, ये बहुत ज़रूरी है। जाड़े के दिन में इसको रिपोर्ट ना करें। दूसरी बात है कि पानी आपको कम देनी है। दोस्तों, मुझे यहाँ पर एक बात याद आ रही है कि आप कभी भी खरीदारी अभी हिबिस्कस का ना करें, क्योंकि आपको इस समय फूल छोटे दिखाई देंगे या फिर कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर हिबिस्कस का आपको नर्सरी से ख़रीदारी करनी है तो फरवरी का महीना सही रहता है। दूसरी चीज़ है कि हिबिस्कस को जाड़े के दिन में हार्ड प्रूनिंग भूल करके भी नहीं करनी है। अगर इस समय आप हार्ड प्रूनिंग करोगे तो पौधे आपके फूल देना बंद कर देंगे, आप जाड़े में ये आगे ग्रोथ तो करते नहीं हैं, ये अभी डोरमेंसी में रहते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ अपना रोज का पौधा दिखा रही हूँ, प्लांट दिखा रही हूँ। रोज का तो समय ही है, जाड़े में ही ये फ्लावरिंग करता है, लेकिन मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि रोज और हिबिस्कस दोनों जुड़वा है, दोनों हैवी फीडर है, दोनों को ज़्यादा भोजन चाहिए, दोनों फ्लावर के पौधे को काफ़ी धूप चाहिए
और इसको समय समय पर 15 दिन के अंतराल पर खाना भी मिलते रहना चाहिए। गुड़हल के पौधे को गुराई करना यानी उसमें घास पात निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो घास पात निकालते रहें। जाड़े में फूल का छोटा आना या फिर कलियों का गिर जाना, पत्ते का पीला होकर, ऐसे आप पीला होकर के गिर जाना, ये आम बात है, नॉर्मल बात है, इससे आप घबराएं नहीं, ये कोई बड़ी परेशानी नहीं है। दोस्तों, हिबिस्कस में मिलीबग और ढेर सारे फंगस और कीट लगते रहते हैं। पेस्टिसाइड सजेस्ट करूंगी कन्फीडोर नामक जो आपको मार्केट से मिलता है, वो काफ़ी इसके लिए फायदेमंद होता है, तो इसका छिड़काव जरूर करते रहें। 12 से 14 इंच का अगर आपका हिबिस्कस का पौधा है और 2 से 3 साल मिनिमम पुराना है, तो उसमें जो मैं डालती हूँ, आप देख रहे होंगे, एक मुट्ठी भर के ये नीम खली है, आधा चम्मच इसमें पोटास और 1 चम्मच फंगिसाइड, इस सबको मैं आपस में मिला देती हूँ। और आप जानते हो कि हिबिस्कस में सॉइल एसिडिक रहना चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगी, दिखा दूँगी। पहले सबसे पहले मैं इसको मिला लेती हूँ और इसको ले चल कर उसमें डाल देते हैं। दोस्तों, अब आप देखिए, रूट से हटाकर मैंने पहले पॉट में गुराई कर दी है, और इसमें गुराई करने के बाद मैं इसमें पानी डाल दी हूँ। फर्टिलाइजर देने से पहले भी पानी डाल दें और देने के बाद भी पानी, और फिर इसको सॉइल को आपको ऊपर से मिला देनी है। दोस्तों, ये है चाय पत्ती, जो मैंने आपसे बात की है कि सॉइल को एसिडिक रखना। ये चाय पत्ती मैंने फ्रेश वाली ली है, ऐसे आप पुराने वाले जो यूज्ड हैं उसका भी उपयोग कर सकते हैं। चाय पत्ती को मैंने 0.5 लीटर पानी में खौला लिया है, और इसको खौलाने के बाद ठंडा करके अब छान लेते हैं। और 2 कप मैंने इसमें चाय पत्ती का रखा है, तो अब इसको पानी मिला देनी है। दोस्तों, ये 2 लीटर के करीब पानी है, इसमें मैं जो चाय पत्ती है उसको यहाँ डालकर मिला दे रही हूँ। दोस्तों, केला का छिलका का जो लिक्विड बनता है या पाउडर है, उसका भी उपयोग आप हिबिस्कस में कर सकते हैं। अगर आपको जाड़े के दिन में भी फूल चाहिए, तो इस तरह से केले को आप 24 घंटे के लिए मिनिमम 24 घंटे के लिए रखें और इस पानी का भी उपयोग करें। मैं अभी जो यहाँ चाय पत्ती है उसी का केवल उपयोग करूँगी, तो इसको लेकर चलते हैं और उसको वहाँ पर आपसे शेयर कर। दोस्तों, इसको मैं चाय पत्ती वाली जो पानी है उसको मैं इसमें डाल दे रही हूँ, और बस इसी के साथ अब चलते हैं। इस तरह से आप भी अपने हिबिस्कस का केयर करें, तो आपके भी फ्लावर इस तरह आते रहेंगे। और फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।